हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, आपको एक लिंक मिल जाएगा। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को, फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में हम लोगों ने फ्राइडे को अपर सर्किट लगता हुआ तो देखा, और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखें तो 234.8 मिलियन यानी 23,48,68,507 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहाँ 39.44% की डिलीवरी और 10,80,09,875 शेयर्स ट्रेड किए गए BSE पे, जहां 49.70% की डिलीवरी है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में अभी क्या हो रहा है आपको पता है, अभी हो ये रहा है दोस्तों कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन बोल रहा है कि जब तक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड अपने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज को पे नहीं करेगा तब तक लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे सोचने का जो तरीका है शायद गलत भी हो सकता है, आप भी इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। मेरा ये मानना है दोस्तों कि कहीं ये चाल तो नहीं चली जा रही है, क्योंकि देखिए मुकेश अंबानी का इंटेंशन भी हो सकता है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्पेक्ट्रम को रिन्यू कराने की बात करी जा रही हो ताकि इसके डेटा सेंटर वाले बिजनेस को जो है रन कराया जा सके बैक से। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके स्पेक्ट्रम को रिन्यू कराने का अगर इंटरेस्ट मुकेश अंबानी का छुपा है तो उस केस में ये भी हो सकता है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो कि 26,000 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट है जो रिलायंस कम्युनिकेशन को पे करना चाहिए था लेकिन नहीं कर पा रही है, और जिसके चलते ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 26,000 करोड़ रुपए में नेगोशिएशन भी नहीं कर रही है डॉट, यानी डॉट नेगोशिएशन भी नहीं करना चाहता और ये सीधे सीधे डिमांड कर रहा है। तो ये भी तो इशारा इस बात का हो सकता है, या ये बात ये भी तो इशारा कर सकती है कि कहीं ना कहीं ये डॉट जो है ये चाहता है कि ये 26,000 करोड़ रुपये का अमाउंट अगर रखा जाए तो इससे क्या होगा कि बाकी जो ऑपरेटर्स हैं, बाकी का मेरा मतलब है वोडाफोन आइडिया, स्पेशली वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल, इन सभी से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को फुल अमाउंट में वसूली किया जा सके। क्योंकि अगर नेगोशिएशन डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन आरकॉम के 26,000 करोड़ रुपये में कर देगा तो उसका असर हमें बाकी ऑपरेटर्स पर भी दिखेगा, बाकी ऑपरेटर्स भी चाहेंगे कि ऐसा हो, राइट। तो डॉट किसी के साथ तैयार नहीं है और ये 26,000 करोड़ रुपए की वसूली करना कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश अंबानी को अंदर ही अंदर डिफेंड करने वाली बात हो रही हो, राइट। क्योंकि यहाँ पे मुकेश देखिए रियलिटी क्या है, अब ये मुकेश अंबानी को भी अच्छे से पता है, अनिल अंबानी को भी अच्छे से पता है और डॉट को यानी सरकार को भी अच्छे से पता है, राइट। लेकिन रियलिटी को ये पब्लिक के सामने पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट कर नहीं कर सकते ना, करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्योंकि पब्लिकली पता चल जाएगा इनके इलीगल किस तरीके के अंदर का स्ट्रक्चर है। क्योंकि अगर ये इतना ही सही होते, इतना ही अगर ट्रांसपेरेंटली काम कर रहे होते तो फिर ये आज हालत ही ना होती, राइट। तो दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में ये अपर सर्किट जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको पता चली थी कि जो इसके लेंडर्स हैं आरकॉम के, वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो हैं फिर से रीबिडिंग कराना चाहते हैं ताकि इस कंपनी के अंदर कोई नया बिडर, क्योंकि UVARCL को RBI अलाउ नहीं कर रहा है ना, क्योंकि एयरसेल को नहीं अलाउ कर रहा है तो इस केस में भी नहीं अलाउ करेगा, ये है इसके लेंडर्स का मानना, राइट। अब जिसके चलते ये न्यू बिडिंग के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। तो दोस्तों, ये अपर सर्किट कहीं ना कहीं इसी से लगा था और ये अपर सर्किट कहाँ तक लगता है अभी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आप वॉल्यूम देखें तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था NSE और BSE दोनों पे, राइट। तो दोस्तों, हम यही उम्मीद करेंगे कि इस कंपनी के फेवर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जो सभी को कॉन्करेंटली सेटिस्फाई करे, क्योंकि इसको लिक्विडेट करने से मुझे नहीं लगता कि किसी का भी फ़ायदा होने वाला है, किसी का भी नहीं होने वाला है, राइट। क्योंकि बैंकों को भी आपको पता है कितना 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्जा है बैंकों का, पूरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का,
राइट, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है और मुझे नहीं लगता कि ये किसी से वसूली किया जा सकता है लिक्विडेट करके, राइट। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि होने को तो बहुत कुछ हो रहा है और होता रहा है, देखते हैं क्या आगे न्यू अपडेट आती है। जो कुछ होगा आपको बताऊँगा, आप बस कनेक्टेड रहिएगा इस चैनल से और अपना ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, गुड बाय।